नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। दिल्ली दमघोटू हवा से जूझ रही है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 1000 के भी पार पहुंच चुका है। इस जहरीली हवा से लोगों को निजात दिलाने के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में फिर एक बार या फिर कहें तीसरी बार ऑड इवन लागू कर दिया है। 4 नवंबर से दिल्ली में लागू ऑड इवन का आज इवन डे है, यानी कि तारीख 4 है तो फिर गाड़ी के आखिरी डिजिट्स भी इवन ही होने चाहिए, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10। जिस किसी की भी गाड़ी का नंबर इन डिजिट्स पर खत्म हो रहा है वो आज बेफिक्र होकर सड़कों पर उतर सकते हैं, उन्हें कोई खतरा नहीं है। और जिस किसी की भी गाड़ी का नंबर 1, 3, 5, 7 या 9 पर खत्म हो रहा है उन्हें अपनी गाड़ी को सड़क पर उतारने के लिए कल तक का यानी कि 5 तारीख या फिर किसी और डेट का इंतजार करना होगा। तब तक काम के लिए किसी और कन्वेंस का सहारा लेना होगा। और क्योंकि आज से ऑड इवन लागू हो गया तो फिर चेकिंग भी उसी स्तर पर की गई और की जा रही है। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक के लिए लागू ऑड इवन में अभी तक दिल्ली पुलिस कई लोगों के चालान काट चुकी है। दिल्ली गेट और ITU के पास काफी ऑड नंबर की गाड़ियों के चालान काटे गए और क्योंकि इस बार के नियम पिछली बार के ऑड इवन से ज्यादा कठिन है तो इस बार चालान की रकम को पिछली बार के मुकाबले डबल कर दिया गया है। यानी कि गलती करने वाले को जहां पहले चालान के 2000 रुपए देने होते थे वहीं अब इसके लिए 4000 रुपए का भुगतान करना होगा। ऑड इवन को हल्के में लेने वाले कई लोगों के चालान अभी तक काटे जा चुके हैं। कई लोगों ने तो जुर्माने से बचने के लिए सूचना नहीं होने के बहाने भी बनाए, वो भी तब जब दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने 13 सितंबर को ही ऑड इवन का ऐलान कर दिया था। उसके बाद से रेडियो, टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से स्कीम के लागू होने की जानकारी दी जा रही थी, लेकिन बड़ी संख्या में लोग ऑड इवन स्कीम के पहले दिन चालान कटवाते नजर आए। पहले और दूसरे ऑड इवन की तुलना में इस बार की ऑड इवन स्कीम के नियम को टफ बनाया गया है, नियमों को और सख्त किया गया है, साथ ही छूट भी कम दी गई है। खास बात यह है कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भी इस ऑड इवन में छूट नहीं दी है, जबकि अन्य राज्यों से आने वाले मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को छूट दी गई है। अब आने वाले 15 नवंबर तक दिल्ली वासियों को अलर्ट रहना होगा और ऑड इवन के हिसाब से ही सड़कों पर उतरना होगा, और इसमें जरा सी भी लापरवाही बरती गई फिर तो 4000 रुपए देने के लिए तैयार रहना ही होगा। आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार भी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर करीब से नजर बनाए हुए है। अधिकारियों के मुताबिक करीब 300 टीमें प्रदूषण को कम करने में लगी हुई हैं, जिसके लिए जरूरी मशीनरी भी राज्यों में बांटी गई है और प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों, कचरों को जलाए जाने और निर्माण की गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। अब 15 नवंबर के बाद देखना दिलचस्प होगा कि इस ऑड इवन और साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए उठाए गए कदमों का क्या फायदा देखने को मिलता है।